अस्सलाम वालेकुम, मर्ज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना सलीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहां पे नेशनल वुमेन डे के हवाले से ख़वातीन ने रैली का इनेकाद किया गया था, पीस वॉक का इनेकाद किया गया, जो कि मिलेनियम मॉल से शुरू हुई थी और अब यहां पे इख्तिताम पज़ीर हुई है। तो आइए जानते हैं कि ये ख़वातीन आखिर किस लिए निकली हैं। तो आइए चलते हैं। आज हमने ब्रेकिंग बैरियर के साथ पर्पल वुमेन ने मिलके एक वॉक का इनेकाद किया था, जिसमें ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, उनके जो राइट्स हैं उसको उजागर करना था, और हम ख़वातीन की आवाज़ बन के निकले, उन ख़वातीन की जो अपने हकूक़ के लिए ख़ुद नहीं खड़े हो सकते, लड़ सकते। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं एक पॉजिटिव, के जो औरतें हैं वो मर्दों के साथ मिलके एक अच्छा माशरा बना सकती हैं, बशर्ते कि औरतों को हर चीज़ में शामिल किया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी हमने 12 फरवरी जो कि नेशनल वुमेन डे है, आज हमने सेलिब्रेट किया है। हमारा मकसद इस पीसफुल रैली का ये है कि हम उन ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करने आए हैं कि जो इस अपने हकूक़ से महरूम हैं। तो गैरत के नाम पर औरतों को कत्ल किया जाता है, ये भी गलत बात होती है। और दूसरी बात यह कि जायदाद से बेदखल किया जाता है कि औरत को जायदाद में कोई हक नहीं हासिल होती है। और दूसरी बात यह कि अर्ली चाइल्ड मैरिज, यानी अभी तक एक लड़की को कुछ पता ही नहीं होता है, उनकी शादी भी हो रही है और वो बच्चे मतलब खुद बच्ची और बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर जो है पाबंदी लगानी चाहिए और हमें हमारा हर तरह के हकूक़ देने चाहिए। स्पेशली तालीम तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास तालीम होगा ये भी एक बहुत बड़ी पावर है, आगे चलकर हम खुद भी कुछ बन सकते हैं।